नमस्कार। ये वीडियो बना रहा हूँ आप सबकी हेल्प के लिए जो कि एजेंटों के चक्कर में फंस रहे हैं और किस बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, जब मुझे मेरे पास लोग मिलने आते हैं ना, बड़ा मुझे बुरा लगा। 3-4 दिन पहले इंसान मिलने आया, आप जानते हैं, फीस देकर ही आए, और उसने बातों बातों में ये बोला, सर आप एजेंट। तो मैंने कहा, यार बस अगर आपने मेरे वीडियोज़ देख कर ही आप मेरे पास आए हो, हम तो किसी को कॉल करते नहीं हैं, और आज भी अगर आप हमें एजेंट कह रहे हो और काउंसलर नहीं कह रहे या कंसल्टेंट नहीं कह रहे, तो बड़ी ये बेइज्जती वाली बात है। क्योंकि एक्चुअली दुनिया में एजेंट होते हैं या इंडिया में एजेंट होते हैं जिनका काम होता है सिर्फ आपको कॉलेज के लाला के पास लेके जाना। और ये एजेंट बिल्कुल रेलिवेंट थे, बड़े पावरफुल थे 7 साल पहले तक, जब नीट नहीं आया था। 2015-16 में नीट आया था, क्योंकि उस जमाने में तो प्राइवेट कॉलेज की एक एक सीट एजेंट के थ्रू बेची जाती थी। तो ये प्राइवेट कॉलेज वाले को सीट बेचनी होती थी, वो डायरेक्ट नेगोशिएट नहीं करता था, तो एजेंटों का काम होता था ग्राहक ढूंढ के लेके जाना। वही शब्द आज तक चलता आ रहा है, और जो इंसान आपको डायरेक्ट सीट दिलाने का दावा करता है बिना किसी काउंसलिंग के या बिना किसी दिमाग के, आप उसे 4 सवाल पूछोगे, उसे कुछ नहीं आता होगा अबाउट काउंसलिंग, अबाउट रूल्स, उसी को हम एजेंट बोलते हैं। तो एक तो प्लीज आप जी के वर्ष या मुझे एजेंट का बिना बोलिए। हाँ, लेट मी पुट इट दिस वे कि मैं भी लोगों से कहता हूँ कि मैं अगर आप कहोगे तो हम एजेंट वाला काम भी कर देंगे, बेसिकली आपके लिए सीट वाली बात करना। अब लेकिन मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि सीट वाली बातें कब पॉसिबल हैं या कब संभव हैं। तो सबसे पहले पिछले कुछ दिनों में ना काफी लोग आए एनआरआई, और पता नहीं कैसे आजकल खूब फोन करे जा रहे हैं कुछ एजेंटों के द्वारा कि आप बिल्कुल भी एनआरआई नहीं है, उन पांचों प्रायोरिटी में नहीं आते, और हम आपके एनआरआई के झूठे पेपर बनवा के आपको सरकारी सीट दिला देंगे, खासकर रोहतक में, ये पीजीएमएस रोहतक में एनआरआई सीट्स हैं। तो दो बातें मैंने लोगों को समझाई। एक तो मैंने कहा, मैं सबको समझाता हूँ ये जो एनआरआई के पेपर्स हैं, प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4, 5, और कौन सा रिश्ता है जो एनआरआई में लागू होता है। और वो लोग कहते हैं, जी हम किसी को आपका वही कजन दिखा देंगे बच्चे का। तो मैं समझाता हूँ कि हमें फैमिली ट्री भी देना पड़ता है जब हम एडमिशन लेने जाते हैं, पहली बात। वो भी हम नकली बनवाओगे, पर कैसे बनवा दोगे? आपके पापा के सगे भाई का बच्चा, आपको उसको दिखाना पड़ेगा, उसके दुनिया भर के कागज बनाने पड़ेंगे, आप सारे फर्जी कागज बनाओगे, और फिर किसके लिए? क्योंकि वो सरकारी एनआरआई में भी तो आपको 1 करोड़ की फीस देनी है। उस 1 करोड़ के पैकेज में तो आपको कुछ और सीट मिल जाएगी जिसमें कोई आप घपला नहीं कर रहे, कुछ आप गलत काम नहीं कर रहे। तो लोगों को लगता है, सर 200 नंबर से ना मेरे को पीजीएमएस रोहतक मिल जाएगा। मैं कहा, देख लो बच्चे तो आपके 200 नंबर वाला ही है ना, तो पीजीएमएस रोहतक जहाँ बाकी 600 नंबर वाले बच्चे हैं उनके साथ वो क्या करेगा, जरा सोच लो, और उसकी वजह से उसको क्या फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा, जरा ढंग से सोचो। और आप एक जिंदगी भर की तलवार अपने गले पे लटका रहे हो, और पहली बात तो ये काम होगा कि नहीं होगा, मुझे उस पर डाउट, मैं तो खैर निकला था। हम तो वही बात करते हैं जहां पर सीट कन्वर्ट हो जाती है, और उसके बाद जो कार्यक्रम होता है, जो आखिरी राउंड में होता है, कुछ कुछ कॉलेजेस जो प्रोएक्टिवली ये काम करते हैं। अब दूसरी बात आ रही है स्पेशली नॉर्थ में राजस्थान को लेकर, और मैं बड़ी, मुझे पता है कि मेरे को कॉलेज के कनेक्शन भी नाराज होंगे, बहुत आपको व्हाट्सएप SMS आ रहे होंगे कि फीस भी कॉलेज में डिपॉजिट कीजिए। देखिए, हम भी करा रहे हैं वो काम, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो में, बहुत खुल के बोल रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए, सरकार भी सुन सकती है। लेकिन मुझे ये कहा गया कॉलेज की तरफ से, मैं कहा जब फीस कॉलेज में जमा कराऊंगा सर सीट पक्की है? कहते जी कमिटमेंट नहीं है, आखिरी में अगर फिर से 2021 के अंदर है, सारी काउंसलिंग ओपन हो गई, सबके सामने हो गई, तो उसको सीट हम फीस वापस कर देंगे, जो 20 लाख जमा कराया ना फिलहाल, मतलब वो लोग मैनेजमेंट सीट और सुपर मैनेजमेंट सीट के बीच का डिफरेंस जमा करा रहे हैं। आई एम श्योर आप सबको सबको ये मैसेज आ रहे होंगे, 20 लाख 25 लाख के बीच में जो भी राजस्थानी कॉलेज है MGM के अलावा, और कभी भी जुगाड़ में MGM जयपुर का नाम नहीं आएगा, वही काम करता ही नहीं है, बाकी सारे कॉलेज का नाम आएगा। फिर मैंने उल्टा पूछा, और मैंने कहा मैम तो फिर कमिटमेंट क्या हुई? कहती कमिटमेंट यही है कि 2020 की तरह अगर हमारे हाथ में मौका आएगा तो हम इस बच्चे को प्रेफरेंस दे देंगे। और मैंने कहा 2021 की तरह मौका आया ही नहीं, और सारी काउंसलिंग जयपुर में हुई सबके सामने, तो कहते फिर सीट नहीं मिलेगी, पैसे वापस। तो हमने अभी पैसे जमा करा दिए 20 लाख, अगर हम बैकआउट मारते हैं तो हमारे पैसे गए, हमने काउंसलिंग की सीट नहीं ली तो हमारे पैसे गए, और अगर हमें सीट नहीं मिली तो जा सर हमारे पैसे वापस कर देंगे। लेकिन वो पैसे वापसी होंगे 4थे राउंड के बाद राजस्थान के, राइट, जब तक सारे इंडिया की काउंसलिंग खत्म हो चुकी होगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, जो भी एजेंट के थ्रू जाना है आपको या मेरे थ्रू जाना है ना, मैं तो मुंह पे कह दिया वीडियो में सबके सामने कि शायद 50% 70% चांस है आपको सीट मिल जाएगी, लेकिन 30% चांस ये है कि पैसे वापसी। अब होता क्या है, जो बच्चे होते हैं ना, पेरेंट्स होते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, सर कितने ईमानदार विवेक सर थे,
कितना ही ईमानदार कॉलेज था, पूरे पैसे वापस कर दिए। लेकिन पूरे पैसे वापस करने से पहले आपका पूरा साल तो खराब हो गया। तो बेसिकली जो आप ये जुगाड़ कर रहे हो, ये तो बहुत ही कच्चा जुगाड़ है ना, पक्का तो कुछ हुआ ही नहीं। और मुझे कॉलेजेस ने यही कहा कि विवेक सर, वो बच्चों को तो आपने संभालना है, वो बच्चे हमारे पास नहीं पहुंचने चाहिए, मतलब हमारे पास नहीं आएंगे। जो भी करोगे आप, करोगे आप फीस जमा करा देना, आप बच्चे से डील करना, हम बच्चों से कभी डायरेक्टली बात नहीं करेंगे। करेक्ट, यही आपको बाकी एजेंट भी कह रहे होंगे, ताकि वही आप उनके सर पे ना चढ़ो, आप हमारे ऑफिसों में आके चिल्लाओ कि आपका साल खराब हो गया, जिंदगी खराब हो गई। और मैं ये चिल्लाहट नहीं बर्दाश्त करना चाहता। मैं जहाँ बैठा हूँ, कई लोग जो मुझसे मिलने आते हैं, वो मेरा ऊपर रेजिडेंस भी है और हम यहाँ पर 40 साल से रहते भी हैं, काम भी करते हैं, तो काफ़ी इज्जत है अड़ोस पड़ोस में। तो बहुत खुल के मैं बता रहा हूँ, जो लोग खाम खाम 2500 रुपये खर्च कर रहे हैं मेरे को फ़ोन करने के लिए, कि अगर ये आपकी मंशा है तो हम भी आपके फीस जमा करा देते हैं, 40-50 हज़ार रुपये कम जमा कर। वो कुछ मुझसे बोल सर आप नेगोशिएशन में हेल्प कर सकते हो, मैंने कर तो दूंगा, लेकिन पहले ये समझ लो कि ये भी चांस है कि वो पैसे वापसी आ जाए। तो अगर पैसे वापसी आ गए, मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, अगर वो राउंड कॉलेज में नहीं हुआ, चाहे वो डीम्ड का स्ट्रीम ऑफ अप राउंड हो, जब तक कॉलेज में राउंड नहीं हो रहा, तब तक जब तक कॉलेज दरवाजे बंद करके बदमाशी करके आपको सीट प्रायोरिटी पे नहीं दे सकता, तब तक आपको सीट नहीं मिल सकती। मैं बार बार समझाता हूँ, ये सीट सरकार कहती है एक एक सीट काउंसलिंग से दो, मैं फिर से समझा रहा हूँ खुल के, होता क्या है, जहाँ पर भी राउंड वन राउंड टू और मॉपअप, राउंड वन राउंड टू तो हर जगह सेंट्रल है। अब जस्ट टू टेल यू वन एग्जांपल, हिमाचल प्रदेश में मॉपअप भी सेंट्रल नहीं होता, और हिमाचल प्रदेश में जैसे एक ही प्राइवेट कॉलेज है मॉपअप में जो आएगा, MMU सोलन, उसका राउंड कॉलेज में हो रहा होता है, बाकी आप इशारा समझ जाओगे। MMU मौलाना अम्बाला तो डीम्ड है, राउंड फोर स्ट्रे मॉपअप हर डीम्ड में कॉलेज में होता है। हरियाणा में 2020 तक चौथा राउंड कॉलेजों में होता था, 21 में नहीं हुआ। यूपी में कॉलेज में राउंड होता ही नहीं है, 2021 में सरिस्ट्रीय मॉपअप हुआ था। जब तक कॉलेज में राउंड नहीं हो रहा, तब तक तो कोई जुगाड़ संभव ही नहीं है। समझे मेरी बात? क्योंकि वो भी जुगाड़ भी कॉलेज वाले कैसे कर रहे हैं, खुल के बोल रहा हूं मैं, कि उस दिन ताला लगा दिया जाएगा कॉलेज में, क्योंकि सरकार कहती है कॉलेज को 4 दिन पहले वेबसाइट पर डालना पड़ेगा कि 4 दिन बाद हमारे यहाँ स्ट्रीय मॉपअप हो रहा है। उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, फॉर्म भरवाना पड़ेगा। कंसल्टेंट कहते हैं जी हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे कि आप यहाँ जाओ कि यहाँ जाओ, कहाँ सीटें कम है कहाँ सीटें ज्यादा है, वो काम होता है कंसल्टेंट का। और असली में जुगाड़ क्या हो रहा है कि जो यूनिवर्सिटी जुगाड़ करती है, सब करती भी नहीं है, कस्तूरबा वगैरह बिल्कुल नहीं करते, तो जो करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बुरा मान जाएंगे, वो उस दिन गेट बंद करते हैं कॉलेज का मेन गेट, या आप मेन गेट से घुस भी जाएंगे पेरेंट्स, आपको कमरा ही नहीं मिलेगा जहाँ काउंसलिंग हो रही है। कमरा भी मिल गया तो आपको कॉमन रूम में बिठा दिया जाएगा, काउंसलिंग कहीं और हो रही होगी, एक एक बच्चे को नाम से बुलाया जाएगा, वो बच्चे जिसने पहले से सेटिंग कर रखी है। लेकिन इसके लिए वो आखिरी राउंड कॉलेज में होना चाहिए, जहां पर भी सेंट्रल काउंसलिंग हो रही है, मतलब उस स्टेट की बॉडी करा रही है, वो ये जुगाड़ होने नहीं देगी। हाँ, कॉलेज में सीट पहुंच गई और कॉलेज वाले ये बदमाशी करने को तैयार हैं, तभी आपका काम हो सकता है। दोनों बातों का मिक्सचर होना जरूरी है। तीसरा, मैंने आपको बताया था वो जो ब्लॉकेज वाला फंडा होता है, कि आपने पहले से बात करी, वो आपके बिहाफ पे किसी और को एडमिशन दिया जाएगा, चौथे राउंड के बाद कभी कभार तो वो रिजाइन करता है सीट को और वो आपको मिलती है। सिर्फ इन्हीं दो रूट से डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है, या तो कोई आपके लिए सीट ब्लॉक कराएगा कोई कॉलेज, उसमें कम से कम 50-60 लाख का खर्चा लिया जाता है फीस के अलावा, 1,550 नंबर वाले से सीट ब्लॉक कराई जाएगी और वो थर्ड राउंड के बाद या फोर्थ राउंड के बाद रिजाइन कर देगा और वो सीट आपको बाद में कॉलेज दे देगा, क्योंकि लास्ट राउंड भी खत्म हो चुका है तो सरकार अलाउ करती है। और दूसरा, जहाँ ये ब्लॉकेज वाली सुविधा नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल ये है कि चौथे राउंड में कॉलेज में बदमाशी होनी ही चाहिए। कॉलेज अपने मन से गेट बंद करेगा या रूम बंद करेगा, और सबसे बड़ी बात है वो राउंड कॉलेज में होना चाहिए। अगर वो आखिरी राउंड कॉलेज में हो ही नहीं रहा, तो कोई कॉलेज, कोई धुरंधार, कोई सूरमा कॉलेज आपके लिए काम नहीं कर सकता। 2021 में आखिरी राउंड राजस्थान का, हरियाणा का कॉलेज लेवल पे नहीं हुआ, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, ठीक है ना। उसके हिसाब से अपनी प्लान कीजिए, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, उसके हिसाब से बाकी कुछ चल के चलिए। दूसरे वीडियो में मैंने बताया दिया है, खासकर ड्यून में अब थर्ड राउंड के दौरान ही NRI सीटें मैनेजमेंट में कन्वर्ट होकर लोगों को मिल रही हैं, तो वो जो बहुत सारी NRI सीटें बचती थी राउंड फोर में, अब वो नहीं बच रही हैं, दो चार पाँच ही हर कॉलेज में बच रही हैं। उसमें भी फिर वो कॉलेज
जो ये रूट अपनाना चाहेगा। देखिए जब 5 सीटें बचती हैं, लेट से किसी कॉलेज ने आपसे 20-30 लाख रुपए लेने हैं, टोटल 1 करोड़ रुपए की कमाई करने के लिए वो इतना बड़ा झंझट नहीं लेगा, जबकि वो जानते ही है कि 1 करोड़ मतलब इतने जो जितने बड़े प्राइवेट कॉलेज है ना उनके मालिक बहुत अमीर हैं, बात को समझिए। तो कुछ ही बच्चे हैं सिर्फ जो 5-10 बच्चों के लिए भी ये करने को तैयार हैं, क्योंकि 2020 तक तो क्या है 25-30 बच्चे होते थे जो एनआरआई सीट कन्वर्ट होती थी, तो उनको भी मजा आता था 3-4 करोड़ रुपया या 5 करोड़ रुपया ऊपर से कमाने में। तो ये मैंने ट्रेंड चेंज देखा है 20 से जब 21 का रूल आया, 22 में क्या हो रहा है। ऑफकोर्स जो हमारे जानकार हैं जो ये ओपन ऑफर देते हैं वो ओपन है, लेकिन मैंने आपको ये समझा दिया बार बार कि हमेशा ये इंश्योर कीजिए कि तो डीम्ड में तो हमें पक्का पता है ना राउंड 4 यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, डीम्ड के अलावा स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस के रूल बदलते रहते हैं। 2020 में हरियाणा में होता था, 21 में नहीं हुआ, अब 22 में क्या होगा भगवान जाने, और उसके हिसाब से ही होगा। मैं हमेशा कहता हूँ आपको मुझसे चाहते हो मैं आपके लिए एजेंट वाला काम कर दूँ, मेरे तो बड़ा आसान है 2 फोन करने हैं, लेकिन अगर लास्ट राउंड तक सीट नहीं मिली और आपका साल ना खराब हो जाए, इसलिए मैं हमेशा समझाता हूँ काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर लो, क्योंकि जो एजेंट वाला काम है ना ये तो 2 राउंड के बाद भी मोटा मोटी मिल ही जाता है, क्योंकि जो जिससे आप बात कर रहे हो वो 100% कमिटमेंट नहीं दे रहा जनरली, कुछ ही लोग देते हैं, या तो आप उन लोगों के पास जाइए और उनके मुंह मांगे रेट दीजिए जो वो मांग रहे हैं, तभी आपका काम हो पाएगा। बीच के चक्रों में मत पीड़िए, मेरी आपको सलाह है, क्योंकि अब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है तो इन सब बातों का ध्यान रख के ही अपने बच्चे को सीट दिलाइए, वरना वो खाली रह जाएगा। आपको पैसे वापस कर दिए जाते हैं बहुत खुश हो जाते हो, लेकिन मैं हमेशा एज ए काउंसलर कंसल्टेंट एजुकेशन सोचता हूँ, बच्चे का तो पूरा साल खराब हो गया ना, आप इस बात पर खुश हो कि देखो जी आपके पैसे वापसी आ गए, सामने वाला तो बातें बनाएगा जी बड़ी कोशिश की हमने लास्ट मोमेंट पे रूल बदल गया ये है वो है, सच्चाई की बात ये है कि सारा एक तुक्का ही था और चक्कर में आप फंस गए। तो इन बातों का खास ध्यान रखिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, और हमसे पर्सनली काउंसलिंग करवाना चाहते हैं 9643362320 पे कॉल कीजिए, 9643362320। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।